हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सदस्यता अभियान आप लोग चला रहे हैं, सर आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन को और मजबूती की ओर सर किस तरीके से बढ़ाते हैं? 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ के रूप में जिस पार्टी की स्थापना हुई थी और उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन का पर्व सदस्यता अभियान जो शुरुआत हुई है और हरियाणा प्रदेश में चुनाव की वजह से जिसकी थोड़ी लेट शुरुआत हुई है उस विषय को लेकर हमने हरियाणा प्रदेश का एक टारगेट लिया है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक बूथ का कार्यकर्ता उसको पूरा करेगा और उसकी योजना रचना की पहली बैठक हमारी रोहतक कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है वहाँ पर रहेगी और तमाम हमारे सांसद, विधायक, सभी चुनाव लड़े हुए प्रतिनिधि और हमारे जिला परिषद के चेयरमैन, मेयर और भारतीय जनता पार्टी की जो जिला स्तर पर हमने 4 सदस्यीय टोली बनेगी, तमाम ऐसे कार्यकर्ताओं की वहाँ बैठक रहेगी और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में जो टारगेट हमने लिया है उसको पूरा करे, इस प्रकार की योजना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। क्या टारगेट है सर और पहले कितने सदस्य थे, अब क्या टारगेट आपने रखा है सर? भारतीय जनता पार्टी के लगभग 32 लाख कार्यकर्ता जो हरियाणा प्रदेश में दर्ज थे और उनकी संख्या आज की डेट में 34-35 के आसपास है और उसका जो टारगेट 50 लाख कार्यकर्ताओं का हमने लिया है, हम उसको पूरा करेंगे। सर, रोहतक में आप बता रहे हैं कि बड़ी बैठक होगी, सभी जो आपके कार्यकर्ता है, सीनियर नेता शामिल होंगे, कौन कौन सी तारीखें हैं सर जो ये बैठक होंगी? ये हमारी प्रदेश स्तर की बैठक 26 अक्टूबर को रहेगी और जो जिला स्तर की बैठकें हैं वो 28 और 29 अक्टूबर को रहेंगी और फिर हमारी विधानसभा स्तर पर जो बैठकें रहेंगी 5 नवंबर और 6 नवंबर को रहेंगी और 5 नवंबर से हम अपने सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे, उसका उद्घाटन करेंगे और उसके तमाम ये ऑनलाइन सिस्टम से सारा कुछ काम होगा और भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठन हरियाणा प्रदेश में बने, इस प्रकार का काम सभी कार्यकर्ता पूरी जिम्मेवारी के साथ करेंगे। आपके नेतृत्व में सर प्रदेश में चुनाव लड़ा गया, तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है, पर 2024 में पूर्ण बहुमत भाजपा को मिला है सर। जो संकल्प पत्र में आपने वादे किए थे उसको लेकर आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शाम को बैठ के भी कर रहे हैं, कितनी जल्दी धरातल पर सर देखने को मिलेगा? ये हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जिस मिशन मूड के साथ सरकार के काम में लगे हैं, आपने देखा जैसे ही सरकार का गठन हुआ तमाम पहले ही दिन जहां हमारे मंत्रिमंडल ने शपथ ली वहीं 24,000 युवाओं को रोजगार देने का भी काम हुआ, वहीं अगले ही दिन जो हमारी मंत्रिमंडल की बैठक हुई तो DSC समाज को भी जो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था उसको लागू करने का काम किया है और अगले ही दिन जो भी डायलिसिस की सुविधा, डायग्नोज की सुविधा सरकारी हॉस्पिटलों में फ्री करने का काम किया और तमाम जो हमने संकल्प पत्र में बातें कही हैं उन सबको बहुत जल्दी आपको पूरा हुआ देखते हुए मिलेंगे। एक आखिरी सवाल सर, कांग्रेस EVM पर लगातार सवाल उठा रही है, अब कांग्रेस का एक नया बयान सामने आया है कि वो कोर्ट जा रही है, जहाँ जहाँ उनके प्रत्याशी हारे हैं उनको लेकर वो कोर्ट में जाएंगे। अनेक बार हारे हुए प्रत्याशी अनेक बार ऐसे कोर्टों में जाते हैं, गिनती का आरोप लगाएंगे, फर्जी वोटिंग का लगाएंगे, बहुत सारे ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं और मुझे ध्यान में भी है 2014 का जब चुनाव हुआ था मेरी राय विधानसभा से 3 वोट से कांग्रेस का उम्मीदवार जीता था, INLD का उम्मीदवार 3 वोट से हारा था, वो भी कोर्ट में गया था, कोर्ट ने चुनाव को दूसरे पक्ष में, हरियाणा हाई कोर्ट ने उसको फैसला दिया, उसके बाद वो सर्वोच्च न्यायालय में आया है और वो जब तक वो अपना शरीर पूरा कर गए, ऐसे अनेक बार बहुत सारे उम्मीदवार इस प्रकार का लगाते हैं, हो सकता है कांग्रेस पार्टी के हारे हुए प्रत्याशी भी फिर दोबारा से इस प्रकार का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जो कि तमाम मुद्दों को लेकर खबर अभी तक से खास बातचीत कर रहे थे। राजा पटेल, दिल्ली, खबर अभी तक।